प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, जो क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन आपका संख्यांकी से रिलेटेड है, जो आपकी संख्यांकी आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर की आएगी। ज़रा ध्यान दें, संख्यांकी आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर की आएगी, ज़रा ध्यान दें। चैप्टर या पार्ट आपका क्या है, समांतर माध्य का पार्ट है, जो समांतर माध्य के पार्ट से ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है या संबंधित है, ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है, 6.8.5.x का समांतर माध्य 5 है, x का मान ज्ञात करो या एक्स ज्ञात करो, एक ही बात है, अपने आंसर या सोल्यूशन में देखिए क्या सूत्र या फार्मूला क्या है, ज़रा ध्यान दें। सबसे मेन सूत्र या फार्मूला होता है, बिना सूत्र के या फार्मूले के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आदमी के अंदर जान या रूह है तब तक तो वो मानव या इंसान सही है, वरना बेकार है, ज़रा ध्यान दें। सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, तो सिग्मा एक्स यहाँ पर क्या है, पदों का योग बटे एन, एन क्या है, पदों की संख्या। अब आप देखिए समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य आपको 5 दे रखा है, सिग्मा एक्स जो भी आपके पद हैं उनको आप जोड़ेंगे, 6+8 8 हो गया आपका, 6+8+5+x, एन आपका क्या है, पदों की संख्या है, एन आपका क्या है, पदों की संख्या है, तो आपकी पदों की संख्या क्या है, 4। अब आप देखिए तिरछी गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 20 बराबर, जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 19+x, यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1, जो आपका आंसर है या सलूशन है। आप वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी वीडियो प्राप्त होती रहें।